Good morning, my dear students. Always keep smiling and do what is right. So, Peter, कभी भी कोई भी गलत काम करने के लिए हाँ मत करें. So, for this, we need lot of strength to say no what is wrong. And for this, let us pray to God and seek His blessings so that He may give strength. Always. शक्ति हमें दी न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दी न दाता, मन का विश्वास Children, let us start with chapter number 17, sentences. It's a activity time. Yes, children. Here you are seeing some words. And went up, Jack, the, Jill, Hill. Right? Is it a sentence? लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे words हैं. तो ये sentence होना चाहिए ना? No, it is not a sentence. Because it's a group of words, but it is not making any sense. इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है. चलो हम कुछ words choose कर लेते हैं. Jack and Jill. Is it making a sentence? Jack and Jill. क्या कोई हमें complete information दे रहे हैं? No. लेकिन अगर हम इनको arrange करते हैं, Jack and Jill went up the hill. Now it is a complete sentence. So a sentence is a group of words which makes a sense. So just now in your activity, you have seen children that sentences is a group of words that makes complete sense. अभी आपने देखा बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन अगर उनमें से कोई सेंस यानी मतलब नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस नहीं होता है. जैसे फॉक एंड नाइफ. फॉक एंड नाइफ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, एक ग्रुप है, लेकिन क्या इससे हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है, इसका कुछ मतलब बन रहा है? नो. तो मतलब कैसे बनेगा? आई हैव अ फॉक एंड नाइफ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक सेंस भी बन रहा है कि मेरे पास एक फॉक और एक नाइफ है. अभी आपने एक्टिविटी में देखा बेटा कि अगर जंबल्ड हो जाते हैं वर्ड्स, तो चाहे वो वही वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में यूज होने हैं, बट इफ दे आर नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली देन इट डज नॉट मेक अ सेंटेंस. सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. राइट, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Every sentence जो correct होता है, it has a subject and a predicate. यानी हर sentence के two parts होते हैं. एक होता है subject, एक होता है predicate. बेटा subject क्या होता है? Subject
सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें जिसके बारे में बात की जाती है. फॉर एग्जाम्पल द क्लॉक स्ट्रक्स 12. ठीक है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं. द क्लॉक, क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं ना कि क्लॉक में 12 बज गए या क्लॉक ने 12 बजा. ठीक है, द क्लॉक स्ट्रक्स 12 किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो जो सब्जेक्ट होता है जनरली नाउन और प्रोनाउन होता है. ठीक है, तो अब जिस किसके बारे में बात की? सब द क्लॉक, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. अब क्लॉक क्या कर रहा है? क्लॉक के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? दैट इट स्ट्रक्स 12, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. ये क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट. जनरली अब बेटा क्लॉक क्या कर रहा है? स्टक कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया ना. जो स्टक वर्ड है दैट इज वर्ब. तो प्रेडिकेट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ वर्ब. बेटा प्रेडिकेट में हमेशा सेंटेंस जहां से वर्ब से शुरू होता है दैट इज अ पार्ट, वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है. और जो नाउन सब्जेक्ट पार्ट होते हैं, जो उसमें नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर कोई आर्टिकल है या कुछ और है, जनरली आर्टिकल्स ही होते हैं, सो दैट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. आई हैड एन एप्पल. इसमें आई क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है, अब आई प्रोनाउन है. आई के बारे में क्या बात हो रही है? कि आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था. अब हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है ना. तो ये क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. हैड एन एप्पल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है बच्चे. तो आई हैड एन एप्पल, तो जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में जब हम जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. और जो बात की जाती है कि उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्या बात की जा रही है? आई की क्या बात की जा रही है? आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था, ये बात की जा रही है. तो दैट इज ए प्रेडिकेट. अंडरस्टूड? यू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जिस बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है और जो बात की जाती है दैट इज प्रेडिकेट. बेटा नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि प्रेडिकेट में एक ऑब्जेक्ट भी, कई बार एक ऑब्जेक्ट भी होता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, माय फादर हैज अ कार. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माय फादर. तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. अब अगर हम माय फादर से पूछें, माय फादर हैज वर्ब से पूछें व्हाट, मेरे फादर के पास क्या है? व्हाट, व्हाट क्वेश्चन अगर हम पूछें तो आंसर क्या मिलेगा? कार. कार इज अनदर नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता था यहां पे. तो दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमने क्या किया बेटा? नाउन से पूछा वर्ब. माय फादर हैज, तो हैज क्या हो गया? वर्ब हो गया. हैज व्हाट? कार. तो कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. सिमिलरली शी लव्स टू ईट आइसक्रीम. शी क्या है? शी के बारे में बात हो रही है ना, कि उसको आइसक्रीम खाना पसंद है. तो शी, शी क्या है? सब्जेक्ट. शी क्या कर रही है? लव्स. तो ये वर्ब हो गया, तो ये प्रेडिकेट बन गया पूरा पूरा. नाउ शी क्या कर रही है? लव्स. तो लव्स क्या हो गए? वर्ब. शी लव्स व्हाट? She loves to eat ice cream. Ice cream is a noun. So this is object. Yes, children. In this worksheet number 1, we are to tick the group of words which are sentences. On group of words ko beta hume tick karne hain jo sentences hain, and we are to cross those group of words which are not the sentences. Let us try the first, second one. Lily is the name of a pretty flower. Beta, this is a group of words and isse hume pura meaning mil raha hai ki lily ek pretty, ek sundar se phool ka naam hai. So this is a sentence.
we will put a tick over here. Third one is come here. Beta, although the हमें यहाँ पर you जो है that is hidden, लेकिन हमें पूरा meaning पता चल रहा है कि हम किसी को बुला रहे हैं. So this is a sentence. So we will put a tick over here. Now look for the fourth one. The cat and this group of words is not giving us the complete meaning. So this is not a sentence. So we will put a cross over here. In this way, rest you will try. In worksheet number 2, children, we are to circle the subject and underline the predicate. Now look at sentence number 2. Vivek is 8 years old. Beta, yahan par hum kiski baat kar rahe hain? Hum baat kar rahe hain Vivek ki. Aur dekhiye, is the verb. Yani subject kya hai? Vivek is the subject. Hum Vivek ko circle karenge aur is 8 years old ko underline karenge. Theek hai? Now look for the third one. My mother is a dentist. Beta, yahan par hum kiski baat kar rahe hain? My mother ki. और देखिए मदर के बाद क्या है, इज अ वर्ब. तो सब्जेक्ट क्या हुआ, माय मदर. हम सिर्फ माय मदर को सर्कल करेंगे और माय को भी करेंगे मदर के साथ. एंड इज अ डेंटिस्ट इज अ प्रेडिकेट, वी विल अंडरलाइन इट. रेस्ट यू विल ट्राई. हियर चिल्ड्रन, इन वर्कशीट नंबर 3 वी आर टू राइट एस फॉर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्रेडिकेट. सी हियर बेटा, on the left hand side we have been given some group of words. Dekhi beta, Sheena. Sheena kya hai? Sheena can be a subject, so we will write S over here. Dekhi beta, second R. R twins. Beta, yahan par kya hai? R verb hai aur uske baad ek noun hai, so this is a predicate, so we will write P over here. So in this way you will try the rest of the words. In worksheet number 4, children, we are to circle the subject, underline the verb and make a box around the object. So, look here. Dekhiye beta, first sentence mein, mother has bought a painting. Yahan pe beta kiski baat ho rahi hai? Mother ki. So, mother is a subject and has bought. Dekhiye, has helping verb hota hai. So, verb kya hai? Bought. Mother bought what? Painting. So, painting kya hai? ऑब्जेक्ट. इसको देखिए हमने बॉक्स किया है. लुक फॉर द सेकेंड सेंटेंस, अहमद इज राइडिंग अ बाइसिकल. यहाँ पर बेटा किसकी बात हो रही है? अहमद की. तो अहमद इज सब्जेक्ट, इज राइडिंग, देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, राइडिंग मेन वर्ब है, तो राइडिंग इज वर्ब. अहमद इज राइडिंग व्हाट? बाइसिकल. तो बाइसिकल इज एन ऑब्जेक्ट, तो बाइसिकल को हम बॉक्स करेंगे. एंड यू विल ट्राई the rest of the sentences. Sentences are of 4 types. ठीक है बेटा, sentences are of 4 types. Imperative, declarative, interrogative, exclamatory. ठीक है बेटा, अब imperative sentences क्या होते हैं? जिन sentences में हम command करते हैं या order करते हैं या request करते हैं, that are called imperative sentences. Come here, go there, sit down, shut the door. ये क्या है? Command कर रहे हैं, imperative sentences हैं. Declarative sentences क्या होते हैं बेटा? Declarative sentences होते हैं जिसमें हम declare कर देते हैं. Simple sentences को भी हम कई बार declarative बोलते हैं. I will go to Delhi tomorrow. मैंने declare कर दिया कि मैं Delhi जा रही हूँ. ठीक है, Princess Diana was a charming lady. Princess Diana एक बड़ी प्यारी lady थी, एक बड़ी खूबसूरत लेडी थी, दैट हमने डिक्लेयर कर दिया दैट शी वाज अ चार्मिंग लेडी. आई वांट टू हैव एन एप्पल, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को एक एप्पल चाहिए ही चाहिए. सो दीज आर सिंपल सेंटेंसेस, आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा, दे स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. अब वो यू चिल्ड्रन, आर यू स्टडी? तो इनमें क्या होता है? एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क.
पूछना, इंटरोगेट करना किसी को, क्वेश्चंस पूछना, दैट आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जनरली, ये व्हाई, व्हिच, हुम, हाउ, व्हेन, ऐसे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, राइट। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा क्या होते हैं, जब हम अपनी सडन फीलिंग्स शो करते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेकिन एक हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हम अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं। आजकल आप जब व्हेन यू टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, कई बार ऐसा होता है कि गीजर ऑन करना मम्मा भूल जाती है, तो आप नहाने लगते हो और तब एकदम से ठंडा पानी होता है बकेट में, इट्स वेरी कोल्ड, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने क्या बताया, जनरली कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होते हैं, दे ऑल्सो बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फर्स्ट स्टॉप। यहाँ देखिए, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, ये सब क्या है, कमांड्स है। गिव मी सम वाटर, रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज थोड़ा सा पानी दीजिए। अब बेटा सिट क्या है, वर्ब है, गिव क्या है, वर्ब है, तो क्या इसका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन वो हिडन, सी है। यू सिट डाउन, अगर हम यू नहीं भी बोलते और हम किसी को इशारा करके कहते हैं तब भी वो समझ में आता है कि हम किसी और को कह रहे हैं, तो यू यहां पर हिडन है। यू गिव मी सम वॉटर, ठीक है, या नाम भी हो सकते हैं, तो गिव मी सम वॉटर, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, तो बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस नहीं बनता, बट यहां पर बन रहा है क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है दैट इज हिडन, राइट। तो सिट डाउन इज द प्रेडिकेट, राइट, एंड सिट डाउन इज द कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज इम्पेरेटिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स बाय राइटिंग अ सेंटेंस। सिर्फ ये नहीं कि हम सेंटेंस का चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, ये सब क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। तो बेटा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले तो ये जानिए कि कोई भी सेंटेंस, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फर्स्ट स्टॉप। लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, दे डोंट एंड विद अ फर्स्ट स्टॉप, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी साइन, वो अभी हम बाद में करेंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इनको सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। तो बेटा देखिए, शी हैज अ बाइसिकल, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि शी हैज अ बाइसिकल, उसके पास बाइसिकल है। नाउ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। बेटा अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, इट मीन्स द सेंटेंस इज नॉट येट कंप्लीट, सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है, राइट। मिसेस जोन्स इज अ काइंड लेडी, मिसेस जोन्स एक काइंड लेडी है, दयालु लेडी है, फाइन। यस्टरडे आई मेट डॉक्टर मोहन, कल मैं डॉक्टर मोहन से मिला था। नाउ लुक एट द वर्ड्स ओवर हियर, बेटा इन वर्ड्स को देखिए, बेटा ये क्या है, ये एब्रीविएटेड फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म है, बड़े वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है, राइट। तो जब हम सेंटेंस में एब्रीविएटेड वर्ड्स लिखते हैं बेटा, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड जनरली वी पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर दैट, बताने के लिए कि ये एब्रीविएटेड फॉर्म है। देखिए इधर भी डॉक्टर, डॉक्टर आपको पता ना कैसे लिखते, DOCTOR, लेकिन पूरा लिखने की बजाय देखिए सेंटेंस के बीच में है, तो हमने डॉक्टर का डी कैपिटल किया, शॉर्ट फॉर्म आर, फुल स्टॉप। इसी तरह से बेटा कैपिटल लेटर्स, कैपिटल सॉरी प्रॉपर नाउंस जब सेंटेंस में आते हैं तो उसका भी हम सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जनरली अगर प्रोनाउंस बेटा बीच में आते हैं तो हम कैपिटल्स नहीं लिखते, बट देर इज ओनली वन प्रोनाउन दैट इज आर, जिसको हम कैपिटल लिखते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं,
What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? I'm studying, I'm sleeping, I'm crying. Whatever the answer might be, but जो interrogative sentence है वो हमेशा question word से शुरू होते हैं. What, why, when, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होते हैं? Question words. ठीक है? और they end with a question mark. Again, it is very important, beta, to put a question mark at the end of the interrogative sentence. Similarly, how is Ruhi? How be a question word hai? Ruhi kaisi hai? Hum pooch rahe, Ruhi kaisi hai? So, and it will begin with a capital letter and end with a question mark. So, children, our next is exclamatory sentences. जो हमारी सडन फीलिंग्स को शो करता है. कुछ पहले प्लान नहीं होता है, लेकिन हम कई बार अपने एक्सप्रेशंस देते हैं इसके थ्रू. जैसे आपको कुछ चुभ गया तो आप क्या कहोगे? आउच, है ना. कोई आपको बहुत अच्छी खबर मिली तो आप क्या कहोगे? आहा. कोई सैड न्यूज मिलती है तो हम क्या कहते हैं? ओह, मम्मा फोन पे बात कर रही है. अच्छा अच्छा, ओह ये कब हुआ? तो आपको तुरंत लगेगा, आप पूछ लो, मम्मा आप क्या हो गया, क्या आप किसको प्रॉब्लम हो गई, आप पूछते हो ना. तो मम्मा ने कोई वर्ड से ही बोले, बट मम्मा शोड हर जेस्चर थ्रू द वर्ड. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को ओह, आह, आउच, यूरेका, यिप्पी. आज मम्मा ने बोला आज मैगी पार्टी है आपकी, यिप्पी, टुडे वी विल हैव अ मैगी पार्टी. तो आपने एक अपने एक्सप्रेशन शो किया, राइट. तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस. और ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. तो बेटा ओ इट्स लवली, कि वाह ये बहुत प्यारा है. तो देखिए बेटा, हमने इंटरजेक्शंस के बाद क्या लगाया? दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी मार्क, एक लाइन और उसके नीचे डॉट. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी मार्क. कई बार अगर इंटरजेक्शन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है बेटा, तो हम वर्ड के बाद लगाते हैं और जो वो सेंटेंस लिखते हैं दैट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. कई बार पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी होता है. अगर हम कहें व्हाट अ ब्यूटी, कुछ मजा नहीं आ रहा, लेकिन हम कहें व्हाट अ ब्यूटी, हम ताजमहल देखने गए और हमने कहा व्हाट अ ब्यूटी, तो ये हम अपना फीलिंग शो कर रहे थ्रू द सेंटेंस. सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव पुट एक्सक्लामेटरी मार्क. तो बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट एन एक्सक्लामेटरी मार्क, एंड दीज ऑल्सो स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड आइदर एंड विद अ फुल स्टॉप और एक्सक्लामेटरी मार्क डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस. इन वर्कशीट नंबर 5 बेटा, वी आर टू राइट द types of sentences. See the first one, go there. Go there beta command hai, so this is an imperative sentence. Here we will write imperative. Second one is Virat hit the ball over the field. Ye humne declare kar diya ki Virat ne ball fields ke upar se hit ki hai. To beta, to this is a declarative sentence. Now look for the third one. Where is your father? देखिए, this is a question word and this is a question mark. So this is an interrogative sentence. So in this way, you will try the rest. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.